आज हम लोग इस सेशन में बिटमन का पेनिट्रेशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा डिजिटल थर्मामीटर है, ये पेनिट्रेशन ऑपरेटर है, ये वाटर बाथ है, ये कंटेनर है जिसकी डेप्थ 35 mm है और डाया जो है 55 mm है। ये नीडल है, इसमें सुपर इम्पोज्ड वेट लगा जाता है जो 100 ग्राम का होता है। ये आप स्टील का जो चमकदार देख रहे हैं ये 100 ग्राम लगा हुआ है। ये बिटमन टेम्परेचर, ये बिटमन सैंपल है, इसको 90 डिग्री से कम टेम्परेचर में गर्म करना चाहिए। अभी इसका टेम्परेचर है 80.6, इसको नोट कर लेते हैं। अभी इसको हम लोग कंटेनर में डाल देंगे और रूम टेम्परेचर में इसको रखेंगे। रूम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के अंदर होना चाहिए। ये हमारा 25 डिग्री है, 25.1 है, और 60 से 90 मिनट के अंदर रखना चाहिए। हमने रखा है इसको 72 मिनट, 10:21 पर रखा था, 11:33 हो गया है, 72 मिनट हो गया है। इसको अभी हम वाटर बाथ में हम लोग डाल देंगे। वाटर बाथ का टेम्परेचर 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसको भी 60 से 90 मिनट के अंदर रखना चाहिए। अभी 12:50 हो गया है और हमने इसको 11:33 में रखा था, तो ये 77 मिनट हो गया है। इसको अभी हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग पेनिट्रेशन की इनिशियल वैल्यू रीडिंग ले लेंगे। इनिशियल रीडिंग है 105, हमने लिख लिया है, और इसका जो स्टॉपर है इसको ऑन कर देंगे। 5 सेकंड बाद इसको, ये देखिए 5 सेकंड हो गए, अब कितना पेनिट्रेट हुआ है। अब इसको थोड़ा डाउन करेंगे, देखिए बीच में थोड़ा गैप है, ये है, इसको डाउन करेंगे तो रीडिंग अपनी फाइनल आ जाएगी। अभी इसको डाउन कर रहे हैं, ये फाइनल रीडिंग हमारी 149 आ गई। ये ध्यान रखना है कि जो टेस्टिंग करेंगे उसका टेम्परेचर 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो 149 माइनस 105 आपका 44 हो गया। वाटर वाट का टाइम हम लोग नहीं लिखा है, इसको 77 मिनट लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से आप 3 बार टेस्ट करिए, उनका आप एवरेज ले लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।